कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में देखेंगे ये क्वेश्चन। 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणन खंडों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा वीडियो को पूरा। क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 7 के अभाज्य गुणन नहीं होंगे तो 7 को 7 ही लिख लेंगे, और यहाँ पर 11 के भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे तो 11 को 11 ही लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं, 1 2, 2 गुणनखंड आए तो ये 2 का गुणा कर देंगे इसकी पावर में, तो 2 का गुणा करा 10 में कितना आ गया, 20। 2 गुणा 10 ये आ गया 20। अब यहाँ देखिए यहाँ कितने गुणनखंड हैं, 1 7 है ना, जो 1 ही इसका गुणनखंड है तो इसका 1 का गुणा करेंगे इसकी पावर में, तो 1 का गुणा 17 में कितना हो गया, 17 है। इसी तरीके से 11, 11 का गुणनखंड सिर्फ 1 है 11, तो कितने गुणनखंड हैं, 1, तो 1 का गुणा करेंगे इसकी पावर में यानी कि 27 गुणा 1, तो हो जाएगा 27। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ लीजिए 7 7 14 और 0, तो आएगा 4, हासिल 1 2 और 1 3 2 5 और हासिल का 1 6, तो आ गया आंसर कितना, 64। ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 542 की पावर है 173 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन सामने हैं, आपको अगर ये आता हो तो सॉल्व करके जल्दी से टिक लगाइए, कमेंट में लिखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर ये पावर दी गई है, क्या करा गया है, यहाँ पर जो पावर दी गई है उसमें करेंगे 4 से भाग। क्या करेंगे, 4 से भाग। 4 से भाग करा, 4 चौक 16, 1 बचा हो गया 12, 4 3 12, तो यहाँ पर शेष बचेगा कितना, 1। शेष बचेगा 1। जब शेष 1 बच जाए तो जितना शेष बचे उतनी ही पावर इस वाले नंबर की लिख देते हैं। 542 था यहाँ पर, वो लिख लिया, और जितना शेष बचा 4 से भाग देने के बाद उसकी पावर लिख देते हैं। तो जब इसकी पावर 542 की पावर 1 करेंगे तो 542 ही रहेगा, 542 ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक हो गया 2। ऑप्शन सही हो जाता है ए, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, पावर थी 173, तो 173 में 4 से भाग करा, 4 चौक 16, 1 बचा 3 हुआ, 4 3 12, तो यहाँ पे देखिए शेष में बचा 1, जितना शेष में बच जाए उतनी ही इसकी पावर लिख लेंगे। तो 542 की हमने पावर लिख ली थी 1, क्योंकि शेष 1 बचा, शेष अगर 3 बचता तो 3 लिख लेते। अब इसको सॉल्व करा 542 की पावर 1, तो 542 ही आया, और इकाई का अंक पूछ रहा था तो इकाई का अंक इसमें 2 है। चलिए देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। चलिए मुझे लगता है कि आप सीख चुके हैं, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 17 की पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। उसी तरीके से करना है, 17 में आपको भाग दे देना है 4 से, किससे, 4 से, तो कितना आएगा, 4 चौक 16, शेष कितना बचा, 1, 1 शेष बचा। तो जैसे ये क्वेश्चन कर रहा था इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन मेहनत की टेक ट्रिक्स मिलती हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।